गुड मॉर्निंग एस टी टी वी स्टूडेंट्स, आई एम रजनी, योर क्लास टीचर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल एन एच 9 टिंग रोड सिरसा। दिस इज योर मैथ्स क्लास, ओपन योर मैथ्स बुक। इन मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू एक्सरसाइज 8.2। आज हम 8.2 करेंगे। इन फर्स्ट सम फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पिक्चर्स दी गई हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि यहाँ पे एप्पल्स के पेयर्स बने हुए हैं, टू टू एप्पल्स के पेयर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने ये काउंट करना है कि कितने पेयर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहले 4 राइट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने ये देखना है कि कितने कितने एप्पल्स के पेयर्स बने हुए हैं। टू टू एप्पल्स के हैं यहाँ पे पेयर्स, तो अब यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, 4 2 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8 आया, और अगर हम इन टू टू एप्पल्स को 4 टाइम ऐड करते हैं तो एप्पल कितने होंगे, 8। इट मीन्स हम इनका एडिशन करें या मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर जो है वो सेम होगा, 8 8। सेम इन नेक्स्ट बी पार्ट, यहाँ पे अब 3 3 स्पून्स के हमें पेयर्स दिए गए हैं। एवरी पेयर में कितने स्पून हैं, 3। और कितने पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने यही काउंट करना था कि कितने पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे, 5 पेयर्स बने हुए हैं। और एवरी पेयर में कितने स्पून हैं, 3 3 हैं, तो हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे, 5 3 15। अब हमें इन्हें ऐड करने की नीड नहीं है, हमें पता है कि 5 को, जब हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 15 आएगा, और अगर हम 3 को 5 टाइम ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर 15 ही आएगा। क्लियर। इन सेम यू विल प्रैक्टिस सी एंड डी पार्ट। नाउ वी विल डू सम नंबर 2। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं, आपने यहाँ पे क्वेश्चनिंग पुट की गई है, यहाँ पे उनके आंसर फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे किया हुआ है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम काउंट करते हैं कि या तो हमारे पास जो पेयर्स बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं, और ग्रुप्स बने हुए हैं तो वो कितने हैं। यहाँ पे अब ग्रुप्स दिए गए हैं, कितने कितने ग्रुप हैं यहाँ पे, 1 2 3 3 ग्रुप्स हैं। हमने पहले वो राइट करना है कि यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, फिर हमने ये देखना है कि हर एक ग्रुप में कितने ग्लास हैं, हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप में कितने ग्लासेस हैं, 6 6 6 के हैं ग्रुप यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस। अब हमने टोटल नंबर बताना है, अब हम दोनों तरीके से करेंगे, आंसर तो सेम रहेगा। चाहे तो हम 6 को 3 टाइम्स, 6 6 है ना ईच ग्रुप में, 6 को चाहे तो हम 3 टाइम्स ऐड करें, और चाहे हम इसको 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या रहेगा, 18 ही रहेगा। ये टोटल जो ग्लासेस हैं ये कितने हैं, 18 हैं। अगर हम 6 को 3 टाइम ऐड कर रहे हैं तो भी 18 आएगा, और अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 18 ही आएगा। क्लियर। सेम इन नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं ग्रुप्स कितने बने हुए हैं, हमने पहले ओनली ग्रुप्स बताने हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नंबर 2। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज, ओपन द पेज नंबर 118। इसमें सेकंड में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर देयर इन ईच ग्रुप। अब इन्होंने ये पूछा है कि ईच ग्रुप में कितने क्रेयॉन्स दिए गए हैं, हमने इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स जो 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, इन बोथ ग्रुप्स में कितने कितने क्रेयॉन्स हैं, सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ईच ग्रुप में कितने क्रेयॉन्स हैं, 7। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स। अब हमने टोटल नंबर बताना है, जैसे हमने फर्स्ट में किया है वैसे ही हम सेकेंड में करेंगे। अब यहाँ पे हम 7 को 2 टाइम राइट करें एडिशन फॉर्म में, और अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम। इस वे में अगर हम 7 को ऐसे 2 टाइम राइट करते हैं या फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या रहेगा, 14। सो ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट सम नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज अ रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में डिजिट्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इसको रिपीटेड एडिशन में राइट करना है। तो रिपीट
सम में और सेकंड सम में बताया कि सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं कि हमें कितने ग्रुप्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें है 4 × 3, इसको हमने रिपीटेड एडिशन में राइट करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 जो है हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, और कितने कितने के हैं, 4 के हैं। तो हम 3 को कितनी बार राइट करेंगे, 4 टाइम राइट करेंगे। जो हमारा बैक नंबर होता है उसको हम, जो हमें फ्रंट पे नंबर दिया गया है उतने टाइम हम इसको एडिशन फॉर्म में राइट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम होगा। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 12 होगा, और अगर हम 3 को 4 टाइम एडिशन फॉर्म में राइट कर देते हैं तो भी आंसर हमारा सेम होगा। सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 3 को 4 टाइम राइट करेंगे। सेम इन नेक्स्ट बी पार्ट, 3 × 7, इट मीन्स हमने यहाँ पे अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम 7 को 3 टाइम अगर एडिशन फॉर्म में राइट करते हैं तो भी आंसर सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे 7 को कितने टाइम राइट करेंगे, 3 टाइम राइट करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट, 6 × 4, 4 को हम 6 टाइम एडिशन फॉर्म में राइट करेंगे। बैक पे हमारा नंबर 4 है, हमें कितने टाइम राइट करना है, 6 टाइम राइट करना है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 4 को अगर हम 6 टाइम एडिशन फॉर्म में राइट कर रहे हैं या फिर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। सो क्लियर स्टूडेंट्स, इन दिस फॉर्म हम इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म को एडिशन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, योर होमवर्क इज यू विल प्रैक्टिस ऑफ दी सम्स इन योर पीएनबी। थैंक यू।